यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखिए हाँ जाइए। जय माता दी, जय माता दुर्गा, जय माँ दुर्गा, सबका भला करे माँ दुर्गा, मेरा तो ज्यादा सबका भला हो। नेहा जी पहले पीछे जी यहाँ पर नेहा जी यहाँ पर नेहा जी कैसी लगी माता जी की प्रतिमा? चलो हम दिखा के लाते हैं, ये लोग देखने ही नहीं देंगे क्या देखेंगे। नेहा जी रुके तो गए, 30 सेकंड हुआ है। आइए भाई साथ में आ जाइए, भाई आओ साथ में, भाई रुकना, भाई रुकना, भाई 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 साथ में। अरे गाड़ी थोड़ी से अंदर चलो बाइक सुनो ना, विजुअल छोक है, ये दूसरे का स्टोरी है, तो आप हटाओ, चलो हटो यार, मैं आया था, लाइट जलाओ, लाइट नहीं है ना, रुक अरे पीछे गड्ढा है, पीछे पीछे, अरे पगला चुप, अरे सही बात है बिलाल, हाथ डाल दिए मेरे प्रेम में, यहाँ पे देखिए सामने वाह, ईशा मैम यहाँ पे, ईशा मैम सामने यहाँ देखिए, अरे कहाँ फंसा, अरे ईशा जी भाग भाग, अरे हिलो मत भाई, ईशा मैम यहाँ पे, वाह जय माता दी, जय माता दी, ईशा जी इधर रुके ना, इधर जोर से बोलो जय माता दी, हाँ छोटू आ जाओ प्रेम में साथ में, ईशा जी एक बार पीछे देखिए, पीछे इधर आगे 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 देखिए, पीछे नहीं आगे, बहुत चलो गाइस रेडी, दुर्गा पूजा का टाइम है, आप यहाँ पर उत्सव में आई है, इस लुक के बारे में किस तरीके से ख्याल आया? एक्चुअली मुझे दुर्गा पूजा का पता लगा तो मेरे दिमाग में ये था कि ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी बंगाली लुक नहीं क्रिएट किया है, सो आई वांटेड टू रिक्रिएट इट, और फिर मैंने सर्च किया नेट पे देवदास पारो लुक, और जब मैंने सर्च किया तो ऐसा ही कुछ उसका लुक आया, ऑफ कोर्स एग्जैक्ट मैच करना पॉसिबल नहीं है, शी इज़ द ओजी ऐश्वर्या मैम ऑफ कोर्स, बट मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा बहुत मैच कर पाऊँ बंगाली लुक, सो यस। बिकॉज मुझे याद था कि वैसा ही कुछ उनका था लुक ना, थोड़ा टच ऑफ बंगाली था उसमें, सो आई थॉट कि हाँ मैं ये करती हूँ, और मुझे करना भी था काफ़ी टाइम से, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। फर्स्ट टाइम आई हैव डन एनी बंगाली लुक, फर्स्ट टाइम आई हैव अटेंडेड दुर्गा पूजा, पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ लाइव, ऑफकोर्स न्यूज़ में टीवी में हम लोग सब देखते हैं इंस्टाग्राम पे, बट लाइव ऐसे कोलकाता का जो कल्चर है वो फील करना, एंड दैट टू इफ यू आर लिविंग इन बॉम्बे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। गरबा खेलना कितना पसंद करती है? बहुत। एक स्टेप में, लास्ट टाइम कब खेला? एक स्टेप विजुअल्स में। तो नवरात्रि के ये 9 दिन में 9 अलग अलग कलर्स फॉलो करने पड़ते हैं, रोज आप फॉलो करते हैं? ये मुझे नहीं पता था, मैं अभी कुछ दिन पहले मेरी स्पॉटिंग हुई थी, तब मुझे किसी ने बोला कि अरे आपने येलो नहीं पहना, तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है क्या, बिकॉज मैं मध्य प्रदेश से हूँ और वहाँ पे ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे ऐसा है कि हाँ मतलब आपको जो भी पहनना है पहन सकते हो, बट ट्रेडिशनल नवरात्रि के अकॉर्डिंग, तो बट मैं यहाँ आई हूँ तो अभी मुझे और नए नए कल्चर्स के बारे में पता लग रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। ईशा सामने हूँ और बिग बॉस की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, बिग बॉस 18 शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा बज़ बन चुका है क्योंकि बहुत सारे
टीवी एक्टर्स उसमें है और सिर्फ एक यूट्यूबर है, बहुत सारे नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी टीवी एक्टर्स है, तो वो वापस से उस ट्रैक पर आ चुका है बिग बॉस, सो वी हैव टू से ऑन दैट। सो आई थिंक आई हैव नॉट सीन फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड, आई थिंक दो ही दिन का भी आया है, मैंने नहीं देखा, बट मैंने रील्स पे देखा एंड आई थिंक मेरी एक ही नोन है जो उसमें आए हैं, विच इज़ विवियन, बिकॉज आई वर्कड विथ हिम जब वो डारिया में थे, तो मैं उनको सिर्फ जानती हूँ, बाकियों को मैं जानती हूँ बट ऐसे मेरे कोई फ्रेंडशिप नहीं है या मैं उनको कभी वन ऑन वन नहीं मिली हूँ, सो या ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, आई होप दे ऑल विल। विवियन ने एक स्टेटमेंट दी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है लोगों के बीच में, विवियन ने कहा कि भाई लोगों को ना लुक्स पे कम ध्यान देना चाहिए, बॉडी पे कम ध्यान देना चाहिए, उनको सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करना चाहिए। यार वो बिग बॉस है, वहाँ बोली हर स्टेटमेंट वायरल होती है, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा ये तो एक बड़ा स्टेटमेंट है ना एक्टरों के लिए, उन्होंने बोला कि बॉडी पर ध्यान मत दो। नहीं मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती यार, बिकॉज अगर आज मैं ये लुक क्रिएट करके नहीं आती तो आप लोग मुझे शायद कॉम्प्लीमेंट ना कर रहे होते कि अरे वाओ कितने अच्छे लग रहे हो या बंगाली लुक किया है, सो आई ट्रूली बिलीव दैट लुकिंग अप टू द मार्क फॉर एन एक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई नॉट। ओके, विवियन के अलावा कोई और पहचान के कोई एक्टर? और नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। पर एज अ गेस्ट ईशा, अगर मौका मिले कि एज अ गेस्ट अंदर जाएं और कुछ लोगों को टिप्स वगैरह दे सके तो जाना चाहेंगे, और क्या टिप देना चाहेंगे? मैं क्यों किसी को टिप दूंगी यार, ऐसा कुछ नहीं, आई एम श्योर अब मतलब बिग बॉस का अब 18th सीजन हो चुका है, तो पिछले जो 17 सीजन है अभी जो भी लोग गए होंगे, चाहे कितना भी बोल ले कि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, हम देख के नहीं आए, बट सब अपनी एक आइडियोलॉजी के लिए देख के जाते ही हैं, सो देर इज़ नो डाउट इन इट, सब देख के गए हैं, सबको सब पता है, तो आई थिंक टिप्स की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, बट येस आई वुड लव टू गो इन साइड द हाउस एज अ गेस्ट, डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। ओहो प्लीज, मैं ना आपको पता है मैं अभी तक पूजा जी को मिली नहीं हूँ, तो अरे बूम हटा दो यार मेरे फिल्म में आ रहा है, ओहो बूम हटा दो, लो लो लो, वंस मोर, चलो फिर से एक बार, फिर से एक बार, वाह वाह इंटरव्यू, अरे वो दे दो ना, थैंक यू, वो मैं जाती हूँ परफॉर्मेंस, थैंक यू ईशा, बाय, थैंक यू। ऐसा है कि मैं क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, तो ये जो दुर्गा पूजा का कल्चर है, तो ये मैं बचपन से मैं वाकिफ़ हूँ कि पूजा मेरी फ्रेंड है तो वो भी बंगाली है, तो वो पूरा जानती थी कि कैसा है नहीं है, बट जब हम लोग बॉम्बे में रहने लगे, ऑफकोर्स वर्क प्लेस यहाँ पे है तो डेफिनेटली वो वाला माहौल तो नहीं मिलता था, बट फिर भी मैं हर साल, मेरा शूट चलता है लेकिन मैं टाइम निकाल के लेट नाइट हो या कभी भी हो, यहाँ पे और भी बहुत सारे पूजा होता था, मतलब अभी भी है, वहाँ मैं ज़रूर विजिट करती थी, बट अब मेरी फ्रेंड मतलब पूजा ही कर रही है, और उसका ये सपना था और वो हमेशा बोली थी, और मुझे यकीन नहीं होता था, इतना बड़ा काम, मतलब ऑल द वे कोलकाता का सारा सेटअप, मतलब सारा कुछ यहाँ पे करना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बट शी मेड इट एंड उसका सपना पूरा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो सिर्फ मतलब शेयर करती थी फीलिंग्स, बट यहाँ पे आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि
इतना अच्छा सब कुछ उसने किया है, परफॉर्मेंस एंड माँ दुर्गा का जो मूर्ति है एंड सारा कुछ पंडाल से लेके एवरीथिंग अमेजिंग. सो आई विश हर ऑल द बेस्ट. और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे लिए भी यू नो अब हम बॉम्बे में हैं तो हमें कोलकाता वाला फीलिंग मिल गया और क्या चाहिए. सो आई एम रियली हैप्पी. तो इस मौके पर माँ दुर्गा से क्या मांगना चाहेंगे? वैसे जब भी मैं मतलब भगवान जी के सामने जाती हूँ, मैं जो भी मांगती हूँ मैं अपने अंदर ही रखती हूँ, तो यहाँ भी मैं अंदर ही रखना चाहूँगी. बस यही चाहूँगी. ऑफ कोर्स मतलब उनको तो सब कुछ पता ही है कि मुझे क्या चाहिए, क्या जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है. सो डेफिनेटली वो हमें ब्लेस करेंगे और बहुत अच्छा आगे के लिए वो हमें ब्लेस करके जाएंगे. छोटी मोना लिख सकती हूँ, वो प्लीज कर सकते हैं? क्यों छोटी? छोटी क्यों, छोटा भी हो सकता है. जो भी यहाँ जो भी है वो भी एक है, तो वो भी माता रानी अगर चाहेंगी तो डेफिनेटली वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा या आ जाएगी. राइट. अभी मोनाली साहब सामने हैं और बिग बॉस की बात हम ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि ये नया सीजन भाई बहुत स्टार्ट है अभी, मतलब अभी क्या ही बोलेंगे. बट लेकिन आपका कोई दोस्त वगैरह जो अंदर? हाँ इस बार तो बहुत फ्रेंड्स है. हम अभी बेकाबू में ईशा के साथ मैं काम कर रही थी, मैं शाली निशा. सो डेफिनेटली वो है, नायरा है. अभी मैं नायरा से मिली भी थी तभी वो बता ही नहीं थी, मतलब हाँ इट वॉज अ सरप्राइज. बट अच्छा लगा. मैं फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा. एंड इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स है, सो बहुत इंटरेस्टिंग 3 महीना हमारा जाएगा. तो जैसे कि आपने कहा ईशा से, ईशा गई हैं, आपसे बात वगैरह हुई थी ईशा की? नहीं वो तो सरप्राइज है, मतलब आई थिंक न्यूज़ में भी कहीं नहीं आया था उसका, अचानक से नाम आया. एंड उसने बोला भी कि लास्ट मोमेंट में उसको फाइनल किया. सो ये मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली, जब मैं भी गई थी सीजन 10 में, तब मेरा भी मतलब जस्ट 1.5 दिन पहले मुझे फाइनल किया था. मैं तो अपना अपने कपड़े शपड़े कुछ भी नहीं लेके जा पाई थी, वो भी एक अलग स्ट्रेस हो गया था अंदर जाके. बट ये लास्ट मोमेंट वाला ना बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो आप कुछ प्लान भी नहीं कर पाओगे और जाके मतलब आप रियल रहोगे. राइट. सो दिस इज गुड. ऑल दो इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, बहुतों का आप नहीं भी जानती होंगी, लेकिन किसका गेम देखने के लिए आप मतलब किसका एक्साइटेड है, कौन आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और इस सीजन का सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट हो सकता है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो डेफिनेटली विवियन होगा. विवियन या तो मतलब उसका एंट्री भी जब हुआ तो काफ़ी सॉर्टेड था. और मुझे दोनों एक ये शहजादा और अविनाश का जो जोड़ी का जो फर्स्ट डे जो दिख रहा था, आई थिंक वो इंटरेस्टिंग हो सकता है. लाइक यू नो हमारे सीजन में भी मनु मनवीर का जो था वो हो सकता है, अभी तो बहुत शुरुआत है. तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. किसी की जोड़ी बनने के चांसेस लग रहे हैं, लव एंगल किसके दिखने के लिए मिल सकते हैं? पवन जी भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड में भी अब धमाल मचा रहे हैं, उनके 2 गाने सुपर हिट हो चुके हैं ऑलरेडी विद राजकुमार राव, और एक था राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर के साथ. right. ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, वो कैसे देख रही हैं? हाँ मैं तो बहुत खुश थी. मैं जब भी दोनों सॉन्ग्स, इनफैक्ट पहला वाला सॉन्ग भी जब आया, एक तो स्त्री इतना ऑलरेडी बिग हिट है तो उसका एक अलग क्रेज था ही. उसमें पवन जी का गाना आया तो वी वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. एंड उनका आवाज़ तो मतलब बहुत ही अच्छा था हमेशा से ही, लाइक जब मैं फिल्म्स भी उनके साथ करती थी आवाज़ की तो दीवानी थी ही. सो डेफिनेटली अभी ये तड़का अच्छा लग रहा है. तो कहा था एक बार कि भोजपुरी को हम एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे. nice, अब nice, वो बॉलीवुड में भी धीरे धीरे आ रहे हैं, 2 सॉन्ग ऑलरेडी उन्होंने कर लिए. right, इस पर क्या कहेंगे आप? ऑफकोर्स ये मतलब ये तो आई थिंक शुरुआत है और आगे जाना चाहिए. और भोजपुरी की भोजपुरी से एक्चुअली पवन जी फर्स्ट नहीं आए हैं, लाइक मैं भी आई हूँ, और सबसे पहले तो रवि किशन जी आए थे. तो हम तो ऑलरेडी मतलब आगे के स्तर में ही थे, तो और भी अच्छा ही होगा डेफिनेटली. मतलब ये धीरे धीरे अच्छे की तरफ ही हम जाएंगे. और उनका संगीत सबको बहुत पसंद आ रहा है और अच्छा उन्होंने गाया भी है, सो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थोड़ा
सामने सामने नहीं इधर एकदम सामने सामने अभी राइट में सामने चलो चलो उधर जा रहे हैं अरे ऐसा क्या घुस जा रहे हैं इधर देखिए ना बिक्की भैया पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा रहा है मंदिर का अरे बहुत यार इतनी दुखी हूँ आपको शक्ल से मिस करियो और सीजन टू का वेट कर रहा था इधर से बैठ जा अरे रुको इधर से मैं वंस मोर ये वाली गाड़ी है कितने सीटर मैम का है और मम्मी का कर लो अरे वाह क्या बात है आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो हैप्पी नवरात्रि पैदा ही खूबसूरत लग रहे हो क्या बात है जय माता दी जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो बोलो जय माता दी जय माता दी चलिए अंदर आइए हां आइए आइए एकदम काजी क्या ये वाली फैमिली आए एकदम आइए यहाँ बैठ रश्मि जी इधर रुक जाइए ऐसे ऐसे घूम साहूकार हाँ लो 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 बोलो टर्न बोलो टर्न मैम यहाँ पे लिफ्ट में रश्मि जी इधर देखिए ना यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड इधर यहाँ पे हाँ बस सेंटर सेंटर हो गया सामने चलो चलो थैंक यू रश्मि जी थैंक यू क्या पूछना है अभी चलो दूर अरे पीछे देख के पीछे देख ये ठोकी का ठोक ये ठोको ये सो अंदर सो अंदर 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 हां इधर है इधर है शादी इधर सना भाई अंदर मैं पड़ी अंदर कौन तो क्या देख के बात कर रहा पूजा जी मालूम है सब हाँ लुक हियर नाली में आता है भाई हाँ था में डन हो गया थैंक यू सोलो सोलो भी चाहिए नाइस लाइट हम थोड़ा आगे आ जाइए अरे कैमरे में भी बुला लो डन